आप अपने समाज में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, छुपा हुआ कुछ नहीं है। कहा गया है किसी भी पौधे को बचपन में ही पाली जाती है, अच्छे से संभाला जाता है, तभी जाके वो अच्छा बागवान का रूप दे पाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हालात है, क्या हम नहीं जानते? जितने भी प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल है उसको होटल के नाम से लोग जानने लगे, स्कूल कम लेकिन होटल ज्यादा कहते हैं। उसमें कार्यरत टीचर को इन्वॉल्व कर दिया गया है, एमडीएम अकाउंट, हाउ टू हैंडल, मीटिंग करेगा, मीटिंग पे मीटिंग, सप्ताह में महीना में 12 से 13 मीटिंग होती है उस अकाउंट को हैंडल करने के लिए। कुछ खास पर्सन है, चेहरा हर एक पर वो डिवाइडेड है कि इसको क्या करना है। तो हाउ टू इंप्रूव, इस चीज को इंप्रूव कैसे करें, उसकी ब्रीफिंग होती है। लेकिन कभी ये ब्रीफिंग नहीं होती है कि एजुकेशन सिस्टम है क्या, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट कैसे लाया जाए, इस बात पे चर्चा नहीं होती। और हम सभी पढ़े लिखे ज्ञानी यूथ की बात की जाए तो नेता लोग जब यूथ की बात करें तो मैं आज आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कान बंद कर लें दोनों उंगली से, क्योंकि यूथ के नाम पे शोषण होता है। माननीय मुख्यमंत्री से एक्सपेक्टेशन है हमारा, हम सभी का, शिक्षा व्यवस्था के प्रति उसकी क्या गाइडलाइंस है? क्या आपको कभी नोटिफिकेशन आया? क्या आपने कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे कि एजुकेशन सिस्टम पर उसका क्या पोर्टफोलियोज है, उन्होंने क्या गाइडलाइन किया, क्या दिशा निर्देश दिया? बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है तो क्या करोगे आप? टाइम घटा दोगे, सिलेबस गायब कर दोगे, ये सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे वीक हो जाते हैं, बच्चे का प्रेशर हम टीचर लोग झेलते हैं। तो मुझे पीड़ा है, दर्द है, इसलिए आज मैं आप लोग के सामने आया हूं और कुछ शेयर करने के लिए।